है गुजरात का बिगेस्ट प्लांटेड एक्वेरियम गैलरी, जो अभी मैं आपको मैं दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आज एक्वाडोर एक्वारिस्ट जो गुजरात में लोकेटेड है, और आज मैं इनके पास आया हूँ इनका प्लैंडेड एक्वेरियम गैलरी को कवर करने के लिए। ये है गुजरात का बिगेस्ट प्लैंटेड एक्वेरियम गैलरी, जो अभी मैं आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये है हम लोग गैलरी के अंदर, और यहाँ पे है एक से बढ़कर एक सेटअप जो आपको मैं इस वीडियो में पूरी तरह से दिखाने वाला हूँ। मैं आपको क्लोजली दिखाने वाला हूँ पूरे ये जो सेटअप है। जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ गैलरी का, उसके बाद हम पूरा इनका एंटायर गैलरी है वो कवर करने वाले हैं। आपको श्योरली आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो में है वो आपको सीखने को मिलने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखना, वीडियो को कहाँ से भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग मुलाकात करते हैं एक्वाडोर एक्वेरिस्ट के ओनर से, जिनका नाम है मिस्टर उर्वेश। हमारे सामने है एक्वाडोर एक्वेरिस्ट गैलरी के ओनर मिस्टर उर्वेश। हाय सर, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ सर। पहली बात तो थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया आपका पूरा गैलरी है वो कवर करने के लिए। आपके गैलरी का ये फर्स्ट टाइम वीडियो है, किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है उनको आपकी गैलरी के बारे में पता नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है वो जानना चाहते हैं आपकी गैलरी के बारे में। जी, मैं एक्वाडोर एक्वारिस्ट का ओनर हूँ। अभी हमने 6 महीने पहले ये गैलरी ओपन की है। ये सूरत के अंदर वेसु लोकेशन के अंदर अवेलेबल है, और ये इसका टाइम है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक है। और मैंने इस पे पढ़ाई की है, फ़िश पे पर्टिकुलर। आफ्टर 12 साइंस बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस मैंने कंप्लीट किया है। मेरे जो और फाउंडर्स है उसने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है मास्टर ऑफ फिशरीज साइंस, और ये सारी डिग्री हमने कॉलेज ऑफ फिशरीज वेरावल से कंप्लीट की है। और ये पूरी हमारी प्लांटेड एक्वेरियम की गैलरी है। यस, रिसेंटली हमने फार्म हाउस पे एक 2 ऑर्डर कंप्लीट किया है, 10 फीट बाय 4 फीट, 12 फीट बाय 2 फीट। तो अभी ये आपको डिस्प्ले में आ रहा है, ये काम कंप्लीट किया हुआ है हमने सूरत के अंदर डुमस में। yes. और हमारी 3 साइट चल रही है अहमदाबाद में, 1 गांधीनगर में चल रही है और 2 अहमदाबाद में चल रही है, और अभी ये रनिंग साइट्स है। अच्छा, ठीक है सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी अच्छी तरीके से आपने इंट्रोडक्शन है आपके पूरे गैलरी का दिया है जी। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ पूरा गैलरी कवर करने के लिए। तो आप बताइए कहाँ से शुरुआत करें? ये पूरा विवेरियम है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चलेगा सर। तो रिसेंटली अभी हमने ये डिस्प्ले बनाया है। यस, इसका साइज है? ये साइज है 5 फीट बाय 4 फीट।
अच्छा 4 फीट हाइट है यस और 2 फीट डेप्थ है ओके अंदर से देख सकते हैं यस ठीक है आपने स्टार्ट किया अभी ये मिस्ट है अच्छा जो प्लांट्स को मॉइस्चर रखता है ये आपने सर विवेरियम बनाया है तो उसको कितना टाइम हुआ है इसको ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट हुआ है यस यस और प्लांट्स अभी ग्रो हो रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे yes. सारे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं यस यस तो सब देख सकते हो एक प्रोफेशनल जब भी किसी प्रोजेक्ट रहते उसके ऊपर काम करता है तो कैसे वो सेटअप करता है तो ये विवेरियम है सर इसमें टेरारियम भी आता है वो क्या कुछ अलग रहता है कंसेप्ट है कि हाँ टेरारियम थोड़ा अलग रहता है वो कम्प्लीटली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यस ये पूरा टेरारियम है आप देख सकते हैं ये पूरा टेरारियम है अच्छा तो ये पूरा अलग है क्या विवेरियम मतलब साइज छोटी है इसके अंदर अच्छा साइज छोटी रहती है और इसके अंदर क्या है इसके ज्यादा मेंटेनेंस नहीं रहता है और इसके अंदर टेरेस्ट्रियल प्लांट यूज होता है अच्छा 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 और इसके अंदर जो है वो प्लांट कौन से एक्वेरियम प्लांट्स है इसके अंदर मोस्टली टेरेरियम प्लांट्स होते हैं उसके अंदर एपिफाइट प्लांट्स भी अभी है हमारे पास यस ब्रोमिलियाड्स है यस पिटोनिया है यस सिंगोनियम डाले हैं हमने यहाँ पे मॉस है और इसके अंदर हम क्या अब ये इसको अब अगर नीचे से पानी भर देते तो ये पूरा पैलुडेरियम हो जाए अच्छा मतलब वो कौन से पैलुडेरियम में जाता है वो पैलुडेरियम में जाता है जिसके अंदर हम फिश इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यस 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 ये पूरा वेरियम है इसको आप अपने घर पे होटल्स पे मॉल्स के अंदर बना सकते हो ये कोई भी साइज में बन सकता है छोटी अच्छा, भी साइज अच्छा। में बन सकता है बड़ी साइज में भी बन सकता है आपके हिसाब से हम पूरा कस्टमाइज करके आपको देते हैं अच्छा और कोई हॉबीस्ट है उसकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप कोई भी सिटी से अगर आपको रिक्वायरमेंट आई विवेरियम के बारे में कि नहीं तो पैलुडेरियम के ऊपर तो आप बना के दे सकते हो दे सकते हैं अच्छा अभी हम गुजरात के अंदर सारी चीजें बना रहे हैं अहमदाबाद में बना रहे हैं सूरत में बना रहे हैं गांधीनगर में बना रहे हैं अच्छा अच्छा रिसेंटली अभी नवसारी में भी बनाने वाले हैं दोस्तों ये प्रोफेशनल है तो पूरा प्लांटेड एक्वेरियम का वर्क करते हैं तो मुझे अच्छा है कि अपॉर्चुनिटी मिली है पूरा इनका गैलरी को कवर करने के लिए तो अभी हमने विवेरियम कवर किया जो काफ़ी ब्यूटीफुल है चाहे तो हम लोग 1 घंटा भी इसके ऊपर बात कर सकते हैं पर हमें और भी खूबसूरत जो सेटअप है वो भी हमें कवर करने की है तो उर्वेश सर नेक्स्ट क्या सेटअप रहेगा कौन सा सेटअप अभी हम एक्वेरियम की तरफ जा रहे हैं चलेगा तो चलो हम एक्वेरियम आपको दिखाते हैं अभी ये पूरा एवागामी सेटअप है जिसके अंदर हमने पीछे स्टेम प्लांट्स लगाए हैं थोड़ा आगे आप देख सकते हैं ये हाइग्रोफिला है ये पूरा मोंटे कार्लो और ग्लोसेस्टेग्मा और हेयर ग्रास से हमने पूरा कारपेट बनाया हुआ है इसके अंदर बूसी फिलांद्रास भी है अभी हमने नए नए पिंक पैंथर ऐड किए हैं इसके अंदर तो ये पूरा हमारा सेटअप है नॉर्मल एवागामी सेटअप है इसके अंदर हमने हार्लिक्विन डाली हुई है अभी 4 गप्पी डाली हुई है हमने और ये सियामीज एलिगेटर डाली हुई है अभी हम अच्छा अच्छा तो सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लाइट का इंटेंसिटी काफ़ी अच्छा है अरे फिश का जो कलर है वो अच्छे से दिख रहा है ग्लो हो रहा है और एक इनफ लाइट जो है मिलनी चाहिए पूरे एक्वेरियम में वो मिल रही है तो ये चीरोस का अपने लाइट लगाया गया सर नहीं नहीं ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ लाइट है एक्वाडोर का लाइट है पूरा यस हमने इसी के प्रोफेसर के साथ बैठ के हमने पूरा ये लाइट बनाया हुआ है बहुत R&D के बाद हमें इस में सक्सेस मिला हुआ है यस ये हमारा पहला वर्जन है और बहुत जल्द हम अपना दूसरा वर्जन लॉन्च करने वाले हैं तो आप देख सकते हो लाइट है इनका खुद का मैन्युफैक्चर्ड लाइट है देखो वो एक्वाडोर एक्वरिश्का का ब्रांड है तो और भी बहुत सारे वर्जन है आपको आगे जाके गैलरी में आपको दिखेंगे लाइट के तो टैंक भी काफ़ी खूबसूरत है ये जस्ट हमने एक आपको सेटअप दिखा है टैंक का
अभी अब जो आपको नेक्स्ट टैंक जो दिखाने वाले हैं वो इससे भी काफ़ी खूबसूरत है। तो अभी हम लोग मूव ऑन हो रहे हैं नेक्स्ट सेटअप की तरफ। हमारा दूसरा सेटअप है यस, जिसके अंदर हमने पूरा मोंटे कार्लो का फॉल किया हुआ है लावा रॉक्स के ऊपर से। अच्छा, ये सारे लावा रॉक्स हैं और ये पूरा मोंटे कार्लो का हमने फॉल किया हुआ है इसके अंदर। और इसके अंदर हमने हाइग्रोफिला भी डाले हुए हैं। अच्छा, जो ऊपर की साइड है। यस, नीचे हमने अनुबियस डाले हुए हैं सारे और कुछ कुछ जगह पे हमने बूसीफिला अंदर ऐड किए हुए हैं। और इसके अंदर हमने इनलाइन CO2 डाला हुआ है जिसकी वजह से माइक्रो बबल्स के अंदर ये सारी चीजें, आपको माइक्रो बबल्स के अंदर CO2 दिख रहा है। अच्छा, इसके अंदर हमने टाइगर बार्ब डाली हुई है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आपको मॉस दिख रही होगी स्टोन्स पे और वुड पे। तो कौन सा मॉस है? ये क्रिसमस मॉस है। अच्छा, स्टोन्स पे तीन मॉस है, क्रिसमस मॉस है, रिकार्डिया मॉस है और जावा मॉस है। अच्छा, तो सब देख सकते हो, काफी सुंदर सेटअप है। आपको ऐसे सेटअप है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे एक्वाडोर एक्वेरिश में, जो सूरत में है। तो ज़रूर यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, काफ़ी सुंदर सेटअप है। हम लोग कवर कर रहे हैं और भी सेटअप है हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सर, हमने सेटअप इतना खूबसूरत है तो मैं इस टैंक के साइज़ के बारे में पूछना तो भूल ही गया। तो सर, इसका टैंक का साइज़ क्या है? इस टैंक का साइज़ है 3 फीट लेंथ है, 2 फीट हाइट है, यस, और 1.5 फीट डेप्थ है। अच्छा, ये हमारा जंगल थीम वाला टैंक है जिसकी साइज 4 फीट बाई 2 फीट बाई 1.5 फीट है। बराबर, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि जावा मॉस, स्टेम प्लांट्स और एपिफाइट प्लांट्स का यूज करके पूरा सेटअप बनाया हुआ है हमने। यस, इसमें मैं देख रहा हूँ सर कि रेडिश भी प्लांट है, मतलब रेड कलर में भी प्लांट है। हाँ, तो ये रोटाला रेड है। यस, रोटाला रेड है, ये सारे हाइग्रोफिलास है। इसके अंदर हमने अनुबियस भी डाले थोड़ी थोड़ी जगह पे जहाँ पे लो लाइट आ रही है। यस 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 यस, अब देख सकते हैं इसमें भी हमने हमारा लाइट यूज किया हुआ है एक्वाडोर का। यस, तो सब देख सकते हैं, हम लोग एक से बढ़कर एक सेटअप है वो यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं। वीडियो में तो मैं शूट कर रहा हूँ, आप देख रहे हो, पर अगर आप नियर बाय हो, गुजरात में हो दोस्तों, ज़रूर आप एक बार आप यहाँ पे विजिट करना। मुंबई में हो, मुंबई से सूरत काफ़ी नज़दीक है, 3 से 4 घंटा लगता है। तो अगर आप मुंबई में हो तो भी आप यहाँ पे, मतलब एक दिन का ही ट्रैवलिंग होगा, पर आप ज़रूर आप विजिट कर सकते हो। काफ़ी सुंदर सेटअप है, इनके पास अलग अलग कंसेप्ट है जो ऑलरेडी इनका जो वर्क है उसके ऊपर चल रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट टैंक है वो कवर कर रहे हैं। ये हमने पूरा मतलब सीरियो रॉक से बनाया हुआ है, इसके अंदर कोई वुड यूज नहीं किया है हमने, ये पूरा सीरियो रॉक से बनाया हुआ है। इसके अंदर हमने मोंटे कार्लो की कारपेट डेवलप की हुई है। यस, जिसके अंदर हमने स्नेल्स भी डाले हैं, देन हमने अमानो श्रिम्स भी डाले हैं। यस, और ये पूरा नियॉन टेट्रा है। इसके अंदर अमानो ने ब्रीडिंग भी किया हुआ। अच्छा, अमानो ने ब्रीड भी किया? हाँ, अमानो ने ब्रीड भी किया है। हाँ, ये अमानो का बेबी से आप देख सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो, ये भी काफी अच्छा सेटअप है, इसमें वुड का यूज नहीं है, रॉक का ही सेटअप है। ये हम लोग सर ये बोल सकते हैं ना, एक लो मेंटेनेंस? हाँ, बोल सकते हैं लो मेंटेनेंस सेटअप। दोस्तों अगर आप ऐसा रॉक का सेटअप बनाना चाहते हो तो भी यहाँ से आपको बना के मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और फिश भी है इनका। ऑब्वियसली प्लांटेड टैंक है तो फिश तो काफ़ी हेल्दी रहते हैं, उनका एक्चुअल कलर है वो हमें दिखता है। होल सेटअप है तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। ऐसा भी आप सेटअप आपके घर में आप बना सकते हो, इनको आप सेटअप करने के लिए बुला सकते हो, या फिर आप नियर बाय हो तो एक बार इनसे आप कंसर्न कर सकते हो। ये सेटअप हमने पूरा एक्जोटिक प्लांट से बनाया हुआ है। अच्छा, राइट, इसके अंदर हमने आप देख सकते हैं ट्राइडेंट लगाए हुए हैं,
उसके बाद निडल लिफ लगाए हुए है, अनुबियस है, अच्छा, देन बॉलबाइटिस है, ये पूरा एक्सोटिक सेटअप है, हमने स्पेशली इसके लिए ही ये टैंक बनाया हुआ है एक्सोटिक प्लांट्स के लिए। ये इसकी साइज है 3 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट है ये। और ये मोस्टली इसके अंदर हमने एपिफाइट प्लांट यूज किए हुए है। वो क्या रहता है वो, मतलब जिसको सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये पूरा एपिफाइट प्लांट से, मोस्टली एपिफाइट प्लांट से इसके अंदर। तो सब देख सकते हैं, फूड है उसके ऊपर भी कैसे पूरा सेटअप दिख रहा है। वो किसी भी प्रकार का जो प्लांट है वो आपको सैंड के ऊपर नहीं दिखेगा। तो काफी सुंदर सेटअप यहाँ पे दिख रहा है। हमारा लास्ट सेटअप है, यस, जिसकी लेंथ 5 फीट है, हाइट 2 फीट है, डेप्थ भी 2 फीट है। हाँ, जिसकी अभी इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स यूज किए हैं हमने, यस, राइट, एपिफाइट भी है और उसके बाद सॉइल वाले भी है, यस, राइट, इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी आप देख सकते हो। हाँ, इसके अंदर हाइग्रोफिला है, अनुबियस है, रूटाला है और हमने इसके अंदर बॉलबाइटस के भी यूज किए हुए है। Yes. इसके अंदर हमने पूरी डेप्थ दिखाने की कोशिश की है, ये पूरे टैंक के अंदर हमने। मतलब इसका गेटअप ही अलग लग रहा है पूरे टैंक का। लो, उसमें आपने ऊड भी इसके ऊपर है आया हुआ, मतलब वाटर के ऊपर है आया हुआ और काफी अच्छा लग रहा है। बीच बीच में अपने मॉस भी लगाए क्या सर? हाँ, मॉस भी लगाया हुआ है। ये टैंक का हार्डस्केप बनाने में हमको 1 वीक लग गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ की व्यू के लिए। यस 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 दोस्तों, इतनी मेहनत रहती है प्लांटेशन पूरा सेटअप बनाने के लिए। हर एक जो एंगल है उसको नज़र में रखे हुए यहाँ पे पूरा हार्डस्केप है, मतलब जो भी सेटअप है वो किया जाता है। तो काफ़ी मेहनत रहती है प्लांटेड एक्वेरियम पूरा मतलब एस्टेब्लिश करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा टैंक स्टेबल है, कंडीशन में है और सारे प्लांट्स है उसकी कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बड़ा टैंक है। और ऐसे यूज सेटअप भी आपको करके मिल जाएंगे, एक्वाडोर एक्वेरिस्ट है प्रोवाइड करता है ऐसे बड़े बड़े सेटअप। ये बड़े बड़े सेटअप्स हम बनाते हैं और इसको मेंटेन भी करते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग मेंटेनेंस अगर प्लांट की डेथ होती है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देते हैं। हाँ, ये हमारी मोनोपोली है। अच्छा, हम अगर हम सेटअप करते हैं, हाँ, और इसके अंदर अगर मेंटेनेंस हम ही ले, वो क्लाइंट हमको ही मेंटेनेंस दे देते दे, तो ड्यूरिंग मेंटेनेंस कुछ भी होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं प्लांट्स की। अच्छा, और फिश भी हम उस हिसाब से ही सजेस्ट करते हैं। यस, तो अगर आप किसी प्लांट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप वैसा काम करके दोगे, क्योंकि प्लांट्स है तो कभी भी मतलब वो मरे ना, उसकी डेथ ना होए। तो यही है कि आपका काम ही वैसा रहेगा तो आपको भी इतनी वरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, यस। तो सर, अभी आपका गैलरी ने ऑलमोस्ट कवर किया है, तो अभी हम क्या कवर करने वाले हैं नेक्स्ट? तो अभी हम हमारे एक्वेरियम फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करेंगे। ये पूरी गैलरी हमने उसी फर्टिलाइजर्स के बेसिस पे बनाई हुई है पूरी गैलरी। yes. और ये रिजल्ट आपके सामने है, सारे एक्वेरियम्स के अंदर हमने वही फर्टिलाइजर यूज किए हुए हैं। yes. तो अभी हम उस पर देखते हैं। एक्वाडोर के सारे फर्टिलाइजर्स है जो अभी आप उसके रिजल्ट आप देख सकते हो गैलरी। yes. के अंदर ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास स्टैंड है टेरेरियम का, जो पूरा मेटल का बनाया हुआ है और ये पूरा एक जो स्टैंड है वो एडजस्टेबल है आपके टेरेरियम के हिसाब से। अच्छा, आप देख सकते हो यहाँ। yes. पे आप लोग कर सकते हो। yes. अभी आप फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये सारे हमने बनाए हुए हैं, ये पूरी गैलरी के अंदर हमने फर्टिलाइजर्स यूज किए हुए हैं हमारे कंपनी के ही ये सारे।
हम जब स्टडी कर रहे थे तब से हमने इसके R&D शुरू कर दी थी। उसके बाद बहुत सारे ट्रायल एरर के बाद हमने पूरा ये फर्टिलाइजर डेवलप किया हुआ है और ये आपके सामने। Yes, तो ये कौन से इसमें, मतलब मैं देख रहा हूँ कि हर एक फर्टिलाइजर का अलग अलग नाम है। हाँ, तो पर्टिकुलरली हमने अलग अलग मतलब सेपरेट कर दिया है पूरे न्यूट्रिशन को, जिसके अंदर हमने नाइट्रोजन बनाया हुआ है, पोटेशियम बनाया हुआ है, आयरन है और मिनरल्स है। अच्छा, जिसके वजह से क्या है, पर्टिकुलर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसके अंदर ऐड, एक्वेरियम के अंदर ऐड करते हैं। Yes. इसके अंदर और भी 16 न्यूट्रिशन है, जिसके अंदर माइक्रो और मैक्रो सब कुछ इंक्लूडेड है ये चारों के अंदर। अच्छा, ये हमारी गैलरी पे मिल जाएंगे। अगर आप ये ऑनलाइन भी मंगवाना चाहो तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसके अंदर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको कुरियर करवा दूंगा। ये दोनों मेरे पार्टनर्स है, इसके ये मेरा बैचमेट है, इसने भी बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस किए हुए है, ये हमारे सीनियर्स है, इसने मास्टर ऑफ फिशरीज साइंस किया हुआ है। अच्छा, इसका नाम हिरन कानाणी है और इसका नाम विवेक टंडेल है। अच्छा, तो आप तीनों फाउंडर हो। हाँ, तीनों फाउंडर है। जब भी टैंक बनवाते हैं तब स्कीपिंग का काम मोस्टली विवेक का रहता है। यस, और बाकी सारी चीजें हम देखते हैं। यस, हिरन सर, उर्वेश सर, विवेक सर, तो काफी अच्छा लगा आप तीनों से मिलके। काफ़ी मतलब मेहनत दिखता है आप तीनों का मुझे पूरे गैलरी में, और काफ़ी अच्छा आपने मेंटेन किया है, और ये गुजरात का बिगेस्ट प्लांटेड एक्वेरियम गैलरी भी है। तो ऐसे नहीं बोला जाता है बिगेस्ट प्लांटेड एक्वेरियम गैलरी किसी गैलरी को, और मैंने आपका देखा है, आपका वर्क देखा, आपने पूरा दिखा, आपका पूरा प्रोजेक्ट दिखा है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप करते हो, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने अभी तक आपने किए हैं, और भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो, उसके ऊपर आपका काम भी चालू है। तो अगर किसी व्यूअर्स को किसी प्रकार का अगर सेटअप आपके यहाँ से मतलब बनाने का रहेगा तो आपसे कैसे वो रीच आउट कर सकते हैं? वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल डाल दी है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें। अच्छा, तो आपके में सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए है, ज़रूर आपसे वो रीच आउट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो जो भी उनको सेटअप बनाने का है तो आपसे वो जो है कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सर कि आपने तीनों ने आपका कीमती वक्त है वो वीडियो के लिए दिया, और काफ़ी अच्छी तरीके से आपने पूरा आपका गैलरी है वो वीडियो में दिखाया। तो मुझे आप इजाज़त दे दो इस वीडियो को एंड करने की। थैंक यू प्रथमेश भाई, आप मुंबई से सूरत तक आए और हमारी पूरी गैलरी का वीडियो बनाया। यस यस, तो मुझे भी अच्छा लगा कि एक स्टेट मतलब महाराष्ट्र में मैंने बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं, तो एक स्टेट है मैंने दूसरा स्टेट एक कवर करने के लिए स्टार्ट किया है, तो काफ़ी अच्छा लगा आपके पास आके पूरा एंटायर जो गैलरी है वो कवर करके। तो अभी इस वीडियो से मैं विदा लेता हूँ। अगेन थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम।